Hello everyone, welcome back to yet another video. My name is Sankalp and you're watching Chasing Whereabouts. This is Santorini Day 2. Enjoy watching. Good morning. Second day in Santorini. और मैं आ गया हूँ होटल के ब्रेकफास्ट वाले एरिया में. नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ब्रेकफास्ट कराते हैं मोस्टली जब आप आओ एंड उठाओ और खाते जाओ. So over here this is Greek salad. So I went simple. मैंने लिया ब्रेड, थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स. सो आज का प्लान बहुत ही सिंपल है. मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ रेड सैंड बीच, फिर वाइट सैंड बीच एंड एक्रोत्री लाइट हाउस एंड लास्टली मैं फीरा में एक्सप्लोर करूँगा सनसेट एट फीरा. तो मैं आ गया हूँ पेरिसा के बस स्टॉप पे. एंड इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई पेरिसा बस स्टॉप, इट्स वेरी इजी. मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हो आप, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये बस स्टॉप है. सो आई हैव रीच टू फीरा और मेरे को पूरा टाइम लगा यहाँ पे पहुँचने का. इट वॉज रफली अराउंड 40 मिनट्स. हियर इज़ अ थिंग, अगर आपको कहीं भी कम्यूट करना है एंड इफ़ यू कैन नॉट टेक योर ओन व्हीकल इन सेंटोरिनी, तो आप डिपेंडेड हो इस बस सर्विस पे. और बस सर्विस का कुछ टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. उसके टाइमिंग्स मैं अभी शो कर दूँगा स्क्रीन पे नाउ. तो फिर क्या है कि अगर आपको, लेट्स सपोज आपको एक्रोतिरी जाना है, लाइट हाउस है जो सेंटोरिनी में, तो उसके लिए आपको अगर पेरिसा रह रहे हो या पिरगोस रह रहे हो तो वहाँ से पहले फीरा आना पड़ेगा विच इज़ लाइक ए सेंट्रल हब. एंड देन यहाँ से फिर दूसरी बस लेनी पड़ेगी जो आपको वहाँ पे लेके जाएगी. तो इन टोटल आप समझ लो कि आप एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन इट विल टेक रफली अराउंड 1 आवर टू रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन दैट हाउ टू रेंट अ कार ऑन माई ओन. सिंस आई एम एन इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, आई कैन नॉट टेक अ कार. फॉर दैट आई नीड एन इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट जो कि इंडिया में मिलती है रफली अराउंड 5,000 bucks. तो अगर वो रहेगा तो आप रेंट कर सकते हो, बिना उसके नहीं रेंट कर सकते. तो द ओनली ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इज़ रेंटिंग ए बाइसिकल एंड इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ राइड इफ़ आई टेक अ बाइसिकल बिकॉज रफली 11 किलोमीटर है फिर पेरिसा से फीरा, विच ऑफकोर्स आई कैन नॉट टेक. If you are planning to come over here, you should plan it out ki you rent a car or you are capable enough to rent a car or bike. If you have an EU driving license, then it's not going to be an issue for you. EU driving license wale aram se chala sakte hain sari cheezein aap. So see you at Akrotiri. That's my next stop from here. It turned out to be bummer that we were planning to go to Akrotiri Lighthouse, but somehow it's not connected with the पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वहाँ जाने के लिए आपको खुद की कार रहनी चाहिए. सो द नियरेस्ट प्लेस वेयर ही वॉज ड्रॉपिंग मी वॉज सम प्लेस जहाँ से इट वॉज अ 1 आवर वॉक टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो आई थिंक वी हैव टू टेक दैट ऑफ फ्रॉम आवर लिस्ट एंड देन वी हैव रीच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज़ कॉल्ड रेड बीच. द प्लान टू गो टू वाइट बीच इज समवॉट लाइक दिस दैट यू हैव टू फाइंड अ बोट which will take us to White Beach क्योंकि planned connectivity नहीं है वहाँ जाने के लिए. तो आप पहले Red Beach आओ, then वहाँ से boat लो and then फिर White Beach जाओ. So Akrotiri Lighthouse जाने का कट्टा होने के बाद एक और कट्टा होना बचा था. White Beach मैं जा ही नहीं सकता था because सारी जो boats थीं जो White Beach ले जाने के लिए थीं वो 10 दिन पहले बंद हो चुकी थी और बस खाली port बचा हुआ था. So since this is an end of season, they have parked the boat. If you choose to eat in any of the restaurant over here, तो कुछ ऐसा view देखने को मिलेगा आपको. But mostly October के time में बहुत सारे restaurant बंद हो जाते हैं and सब कुछ खाली खाली रहता है यहाँ पे. मुझे बस ये मछलियाँ मिली थी.
सो मैं चल पड़ा कुछ 100-200 सीढ़ियां चढ़ के रेड बीच की तरफ. नाउ आई थिंक आई नो द रीजन व्हाई दे कॉल इट रेड, बिकॉज़ मेरे पीछे जो माउंटेन है वो रेड कलर का है एंड देयर आर सम रॉक्स लाइंग ओवर देयर. उसी माउंटेन के सेज दैट इट्स डेंजर टू वॉक हियर. आई एम काइंड ऑफ रिस्किंग माय लाइफ फॉर दिस, डोंट यू थिंक? सो वी हैव मेड अ फ्रेंड एज वेल. Do you want to say hello? Hello, from Ireland. Her name is Irina. And that's my it. My name is Irina. Greek name. Yeah. Greek name, Irina. Doesn't mean peaceful. That was better. Yeah, she's from Ireland and she does amazing photography. And there is a Facebook channel for her. So maybe I'll drop the link in the description below. You can check that out. Ta-da! Red beach of Santorini. And this is how it looks. You get creative जब options बंद होते हैं. So here is thing, that is Red Beach and ये रास्ता है जो आपको पूरा ट्रैक करना पड़ेगा in order to reach to Red Beach. बस स्टॉप से roughly around 400 meter का है ये stretch. और मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर से एक रास्ता पकड़ के बीच में ही instead of going to the Red Beach, मैं इधर से आ गया नीचे. And this is ta-da! This is a private space now. So we were there, जहाँ से आपने footage देखी थी. And now I'm back on the track up. And वो जो boat है वो cruise है जो Caldera लेके जाएगा. So on my way back, I bought this awesome souvenir. Check out the video. It's a mosaic, a photo mosaic. Almost 4,000 of Paris inside, because they're made with 47 by 85 pictures. And are made with all my digital pictures. Every single photo is 1 cm by 1, and are made with just Paris photos. And each this is so beautiful. And he has whole collection of it. Over here. This is with all the photos of Santorini. Yeah, I have my website, postermosaic.com. Okay, and he has his website as well. I will drop the link in the description below. And I made 1, 2, and 3 with Santorini photos. Over there, Barcelona with all my Barcelona photos. This is the old Fiat 500, because I'm from Italy, so I made this one. And this is macarones, with just macarons. In this case, pictures are circular. Oh. Oh. See them. It's beautiful. Pictures are circular. Yeah, in this one. That is so amazing. I would highly recommend you guys to check his website. And your name was? Sorry? My name is Stefano. I'm from Torino, north of Italy. But I work here in Santorini in summertime, so I have a lot of pictures. Awesome. सो रेड बीच के बाद मैं वापस फीरा आया एंड अब बारी आती है पेट पूजा की. एंड मैं रुका एशिया क्लब रेस्टोरेंट जो कि फीरा बस स्टैंड से 50 मीटर दूर है, जहाँ पर मैंने खाया नूडल्स, फ्राइड राइस एंड स्प्रिंग रोल. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज टेस्टी. सो यू कैन कीप इट एज अ ऑप्शन फॉर यू एज वेल. अब टाइम है फीरा एक्सप्लोर करने का. सो आई जस्ट हैड माई फूड एंड देन उसके बाद मैं निकल गया आगे. तो To give you an understanding about location, that is the local bus stop of Santorini. And अगर आप local bus stop से बाहर निकलोगे, इसके right hand side पर आप अगर straight आते हो,
तो यू विल गेट टू सी दिस पर्टिकुलर लेन जहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन केस यू आर लुकिंग फॉर सुविनियर्स. सो यू हैव हैंडफुल ऑफ शॉप्स हियर फॉर सुविनियर्स एंड द रेट्स आर समवॉट लाइक यू कैन गेट फ्रिज मैग्नेट ऑफ रफली अराउंड 1 to 2 euro. And then after that, in case if you're looking for something else like a big showpiece and the other stuff, the small showpiece cost you around 5.90, so which is quite expensive. But then these old things are handmade and they're beautiful. Things which is famous in Santorini is a product out of olive tree. So I found one nice shop right in Thira. Olive tree, olive wood handmade products. Yeah. You want to say hello? Hello. How are you, everybody? Come to Greece, come to Santorini. And just so that you walk ahead of that particular street, you will get to see this beautiful building. And that is right in front of Hotel Atlantis. सबसे आसान तरीका इस जगह पे पहुंचने का है कि आप गूगल पे सर्च करो सनसेट स्पॉट इन फीरा एंड आप यहां पे पहुंच जाओगे. इट्स सनी, मे बी आई नीड टू टेक आउट माय सनग्लासेस. वन इंफॉर्मेशन व्हिच आई गॉट फ्रॉम द शॉप वाज दैट डोंकी इज अ मास्केट ऑफ सेंटोरिनी. एंड व्हाई इज दैट? यू विल गेट टू सी द स्टैचूज ऑफ डोंकी हियर एंड देयर. You will get to see a lot of souvenirs from based out of donkey milk. So basically I was able to find out a couple of soap item for that. And it is said ki it is good for skin. If you have a sensitive skin, it's good for that. And it helps cure eczema. And it goes long back to the history. Is that one of the Greek goddess used to bathe in donkey's milk. Walk a couple of more steps downstairs aur aap pahunch jaoge to the absolute beauty of Santorini Fira ke actual view pe, which is this. It makes me happy to be here because bhai kaun sa reason nahi hai happy hone. Perfect mountains, cable car ja rahi hai upar se niche ke liye agar port jana hai aapko to, and these are all hotels. Enjoy your vacations on these hotels jo ki bahut costly hai. Sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. बज रहा है एंड धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है. मेरे को लग रहा है मेरे को डिहाइड्रेशन हो रहा है और मैं पानी भी ख़त्म हो गया, तो मेरे को सर्च करना पड़ेगा पानी पीने के लिए ख़रीदना पड़ेगा. क्योंकि अदर थिंग सेंटोरिनी का जो टैप वाटर है वो सॉल्टी है बहुत, तो यू कैन नॉट ड्रिंक इट. सो एवरी टाइम यू हैव टू बाई अ बॉटल ऑफ वाटर. नॉर्मली जर्मनी में ऐसा नहीं होता है. जर्मनी में आप बहुत सारे फाउंटेंस एंड एरिया रहते हैं जो पानी भरने के लिए होते हैं. Not here. So, bottle जो है 1 liter की almost around 1 euro भी पड़ रही है. ये एक चीज़ मैं बहुत notice कर रहा हूँ, private do not enter. हर घर के बाहर लिखा हुआ है ऐसा. एंड द रीज़न इज कि सिंस ये वाइट वाली जो बिल्डिंग्स हैं उसके अराउंड जो फोटोज़ हैं इतनी पॉपुलर हैं इंस्टाग्राम पे
कि एवरीवन हु कम डाउन इन संतरी वांट्स अ क्लिक फॉर हिमसेल्फ, और उसके लिए वो दे डोंट सी इट, कहीं पे भी घुस जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए. तो इसलिए लोगों ने ऐसा लगा रखा है अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी डू नॉट एंटर करके. सो यू मस्ट बी इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग कैल्डेरा, जो हम जान ही रहे. तो कैल्डेरा इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन सेंटोरिनी, जो एंड दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस प्रेजेंट ऑन ग्लोब वेयर यू कैन विजिट एन एक्टिव वॉल्केनो. जो कॉस्ट है उसका है अराउंड 20 यूरो, जो कि आपको लेके जाता है निया कमीनी एंड प्लिया कमीनी, आई थिंक दैट्स वाज द नेम इज, एंड दैट्स अ वॉल्केनो. जो ये आइलैंड दिख रहा है तो जस्ट इधर की ओर नीचे है पोर्ट फीरा का, जो कि आपको लेके जाएगा वहाँ पे. एंड इफ यू टेक सम एक्सकर्जन तो क्या होता है कि उसमें आप यू कैन ऑल्सो डाइव एंड गो स्विम, टेक अ स्विम इन द हॉट स्प्रिंग विच इज़ क्लोज टू द वॉल्केनो. इट इज़ सेट बहुत सारे मिनरल्स हैं वहाँ पे. आइडियली अगर इफ यू रियली वॉन्ट टू गो देर, मडी वाटर, गर्म पानी इंजॉय करिए, नहाना एंड देन वापस आ जाइए. बट दैट थिंग इज़ ओनली फॉर स्विमर्स, बिकॉज जो बोट है वो शोर से थोड़ा सा दूर पार्क हो जाती है एंड देन वहाँ से आपको स्विम करके जाना होता है उस एरिया में. एंड दैट्स द ओल्ड पोर्ट जहाँ से आपको शिप मिलेगी फॉर योर कैल्डेरा ट्रिप. नाउ अभी मैं जो जिस रास्ते पे जा रहा था वो ओल्ड पोर्ट लेके जाता है, बिकॉज आई गेट टू सी दिस पर्टिकुलर, दिस इज अ वे फॉर द ओल्ड पोर्ट. सो नाउ आई विल टेक एन अबाउट टर्न एंड गो ओवर दिस वंस अगेन. सो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, सारे होटल के नाम कैसे, वोल्केनो व्यू, active volcano view, something of this sort. And this is one of the costliest place, means costliest hotels which you get over here for this view. So here is what I did. Niche aaya tha, then pani piya, then I'm going up once again. It looks like this is the lane which is the market of Fira. Not all shops were open during the time I visited. Maybe off season ho gaya tha isliye. To ye tafri karne ke baad main Fira ke sabse highest point pe gaya and I just waited for the sunset. Baki view kaisa tha wo aap khud hi dekh lo. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school, I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. After spending a nice time at Fira or sunset dekhne ke baad, which you guys have just checked it, we came back to the Fira center in order to get some coffee. So abhi aaye hain solo gelato, basically dopahar mein jahan lunch kiya tha uske just bagal mein tha. Yahan order kiya cappuccino maine aur jiska price tha 2.5 euro. Goes by the name solo gelato. Right now sitting on the main square of Fira, और दिन भर के फीरा का एक्सप्लोरेशन करने के बाद पता चला है
ये जो शॉप है बुक स्टोर एंड मोर सुवेनियर गिफ्ट एंड टॉयज, दिस इज़ वन पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपको चीपेस्ट सुवेनियर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जगह पे जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था। सो रफली अराउंड 1 यूरो का डिफरेंस है बाकी सारे प्लेसेस पे, और यहाँ पे डिसेंट फ्रिज मैगनेट्स जो है 1 यूरो का मिल जा रहा है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम 3D वॉपिंग वन तो वो 2.2 यूरो टू से स्टार्ट होता है एंड समवेयर अराउंड 3-4 यूरो तक स्ट्रेच हो रहा है। बट दिस इज़ बाई फार मार्केट कंपेरिजन करके चीपेस्ट स्टोर वे फ्रॉम वेयर यू कैन बाई सुवेनियर्स। क्विक क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप ये सुवेनियर बाई करोगे? सो इतना ही था इस वीडियो में। कल का दिन स्टार्ट करेंगे हम बाई वॉचिंग सनराइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डे 3 ऑफ सेंटोरिनी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।